माशाल्लाह जी, ये चौधरी अब्दुल्ला साहब के फॉर्म पे हम आए हुए हैं और ये इन्होंने चंक हनी बनाया हुआ है। ये इंशाल्लाह इसी तरह ये बॉटल्स में इसको डाल दिया जाएगा। मलका ये नहीं, मलका शहद की, शहद वाले के ऊपर मलका नहीं होती है। अच्छा, ये लेकिन इतनी बड़ी क्यों है? ये निकट टू होगा, इतना बड़ा है? हां, बड़े बड़े हैं, हाई टूल है। बस हो जाएगा, सील ये भी हो जाएगा, लेकिन ऊपर से हो रहा है इस तरफ थोड़ा सा। इसमें तो ब्रूड भी डाल दिया उसने एक साइड। अच्छा नहीं, शहद है, शहद है, खुराक है, नहीं फर्क नहीं, ये भी शायद है, पहले फ्लेटा रहता ना। अच्छा, तो अभी थोड़े दिन ज़्यादा हो गए, सही हो गया। डब्बा ना, हाँ है तो डब्बा तो अच्छा है, लेकिन डब्बा अच्छा है, नीचे फिर जगह इसकी है या नहीं है इसे बेटा? वो किया नहीं वाला, वो ब्रूड लगाने वाला, दो दिन में ऊपर गया हूँ, कल नहीं था मैं, वो लाजमी कहीं से ना, वो जो ड्रोन वाले होते हैं ना, वो साइड पे लगे होते हैं प्रैंक। मैंने कहा वो कभी देख लेंगे ना, मिल जाएंगे तो इंशाल्लाह, वो अगर आप कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह सही हो गया। ये फ्रेम बाहर से मंगाया सर जी? अच्छा, कितने में पड़ा है ये? मेरा ख्याल है कोई ये सारे के से उसमें कोई 7,000 रुपये में पड़ा है एक फ्रेम। हाँ जी, अच्छा। फ्रेम और उसके अंदर 6 वो बने हैं। अच्छा ठीक हो गया, सही है, फ्रेम है छोटे और उनके ऊपर डब्बियाँ हैं, ठीक हो गया, सही है जी। ये फ्रेम दरमियान में से हो जाता है, डिवाइड हो जाता है जी? हाँ जी, शीट जिसमें जी। अच्छा, यही चीज़ मैं सोच रहा था कि इसको बनाना है, जब हम ग्राफ्टिंग करते हैं ना जी, तो जो हमें वहाँ से किट मिलती है ना जी, जो हम मलका से अंडा ले रहे होते हैं जी, तो इस तरह का मैं आपसे फ्रेम तैयार करवाना चाह रहा था कि जो दरमियान से दो हिस्सों में तकसीम हो जाए, तो हम दरमियान में शीट लगा दें, मक्खियाँ उस और इसके ऊपर वाली साइड पे जो है ना, दोनों साइडों पे क्लीन एक्सक्लूडर लगा दें, पूरी की पूरी फुल, तो मलका उसके अंदर बंद हो जाएगी। तो यह है कि उसे जब मलका अंडे दे दे, फिर उसको जो है ना हमने लेके आना है, जो अपने छोटे फ्रेम बनाए हुए थे ना, मलका को उल्टा के हमने उसको छत्ते को उल्टा के रख, इसको निकाल के ना बैक साइड पे रख दें, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, पहले फ्रेम के ऊपर मलका नहीं होती है, शायद होता है। आगे चलें इसकी दूसरी साइड।